नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब घरों में सेफ होंगे, ठीक ठाक ही होंगे। तो ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में क्या ना करे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक मैं फिर से एक टी टाइम स्नैक्स बनाऊं। तो सोच रही हूँ कि मैं कोलकाता का फेमस गोकुल पीठे कहा जाता है ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जिनको अगर आता है गोकुल पीठे, वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये गोकुल पीठे कैसे बनता है। मैं जहाँ से सीखी हूँ वहाँ से तो जैसे उन्होंने सिखाया मैं वैसे ही ट्राई करूँगी। चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, अभी हमने गैस जला लिया है, तो अब कढ़ाई में बिठा रही हूँ। कढ़ाई गरम हो रहा है, अब मैं इस बीच में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमें चाहिए ये जो अमूल ताजा दूध, ये भी अमूल ताजा के 200 के दो पैकेट आपको लेने होंगे। और मैं ऑयल से मैं इसका जो खीर बनाऊंगी, तो ये मेन इंग्रेडिएंट से इनमें खीर होना चाहिए। तो मैं खीर यानी कि खोआ बनाएंगे, और मैं ऑयल से यूज कर रही हूँ, आप घी से भी बना सकते हो। और हमें चाहिए एवरीडे के छोटे वाले पैकेट, मैंने 4 पैकेट लिया है, आपको जितना सहूलियत हो आप ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे। ये देखिए मैंने ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए इसमें ऑयल। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हो, घी भी यूज कर सकते हो या बटर भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब हम क्या करेंगे, दूध डाल देंगे। ये एक पैकेट डाल दिया, ये दूसरा पैकेट डाल दिया, ये तीसरा पैकेट भी मैंने डाल दिया है। बनाने के लिए लिक्विड दूध और जो पाउडर दूध होता है वो जरूर चाहिए। अब करना क्या है, हमें चीनी डालना है। और ये देखिएगा, सिमर में आपका ये फ्लेम होना चाहिए, अगर सिमर में फ्लेम नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है, जल भी सकता है। तो अब हम इसमें चीनी भी डाल देंगे, चीनी अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल दीजिएगा। हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमको लगातार चलाना है, चलाने के बाद जब ये खोआ बन जाएगा तब हम आपसे मिलते हैं। देखिए, इसी कंसिस्टेंसी में हम लोग का पकना शुरू हो गया है। अब जब तक ये खीर जैसा ना हो जाए, दो जैसा ना बन जाए, तब तक हमें ये हिलाते रहना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह का कंसिस्टेंसी है। अभी और भी इसको पकाना पड़ेगा, देखिए साइड से जो निकल रहा है ना, यही है हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स, तो थोड़ा और पकाना पड़ेगा। ये देखिए मेरा खीर बन चुका है। इसको हम अब डो के शेप में कैसे लाएंगे आप पूछेंगे, तो डो के शेप में हमें लगता है कि, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं बनाऊंगी इसको थोड़े से आटे को डालकर थोड़ा थोड़ा करके, तो उसके बाद डो बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या करना है हमें, ये जो खीर को है, जो खोआ है, इसको हम यहाँ में डालेंगे। सबको हम निकाल लेंगे यहाँ पे। अब इसको हमें डो के शेप में लाना है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आटा मिलाएंगे। मैं हाथ से कर रही हूँ, आपको जो मशीन है आपके पास में वो आप ट्राई कर सकते हैं, मैं हाथ से ट्राई कर रही हूँ। इसमें आधे कप से थोड़े ऊपर आटे हैं, आप आटे की जगह में मैदा भी यूज कर सकते हैं। तो गर्म है, धीरे धीरे कीजिएगा। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे ताकि हमारा ये डो अच्छा बन जाए।
ये देखिए मेरा ये डो हो चुका है, तो ये बिल्कुल ये बन रहा है। अब हम इसे शेप में डालेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे चपटा चपटा करके, इसमें ही हमें डाल देंगे चपटा चपटा करके। बाकी सब बनाने के बाद आपसे मिल। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा ये पीठा बनाने का पहला प्रक्रिया खत्म हो चुका है। अब दूसरे में हम जाएंगे बैटर बनाएंगे। क्रंची करने के लिए इस पीठे को हम थोड़ा सा सूजी यानी रवा डालेंगे। ये जितना सारे पीठे इसमें हम डालेंगे। ये देखिए मैंने रवा को डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब बैटर बनाएंगे। हमें क्या करना है, इस बैटर में इसमें मैंने हाफ कप आटा लिया है और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। मैं हाथ से विस्पिंग कर रही हूँ, आप लोग किसी भी मशीन से कर लीजिएगा। इस बैटर में हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, अपने बैटर के अनुसार आप डालिएगा। डाल के इसको मैं, क्योंकि पकौड़ा टाइप का है तो इसको थोड़ा सा मैंने फूलना भी पड़ता है, तो इसीलिए मैंने ये डाला है। ये देखिए हमारा बैटर बन चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब हम चलिए इसको बनाते हैं। देखिए रवा को अब हम क्या करेंगे, इस पर पैक करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम पैक करते हैं, तो क्रंची क्रंची आने के लिए। उसके बाद क्या करना है, हमें ये जो बैटर है बैटर में डीप करना है। डीप कर लिया, अच्छी तरह से कोटिंग लगा लिया। लगाने के समय में हमें ऑयल जो हमने गरम बिठाया है इसको सिमर कर देंगे ताकि छींटे ना पड़े। हो गया, अब हम इसे डाल देंगे। देखते हैं कितना देर चलता है, हमने तो फर्स्ट टाइम किया है। ये देखिए इसको ऐसे ऐसे करके आप ऑयल लगाते जाइए, ये पकते जाएगा। पकने के बाद आपसे मिले। देखिए मेरा ये पीठा बन चुका है, अब मैं इसको डाल के रेस्ट ऑफ द पीठा को मैं बनाकर आपसे मिलती हूँ। देखिए मेरा ये पीठा कैसा बन रहा है, आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक करना, शेयर जरूर करना, और जिसको अगर गोकुल पीठा मालूम है तो वो मुझे जरूर बताना कि ये कैसा बन रहा है। चलिए मैं बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह से होता है दोस्तों, ये मेरा गोकुल पीठा बन चुका है। देखिए कैसा लग रहा है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा। और अगर इसमें अगर कोई गलती हो, क्योंकि ये कोलकाता का डिश है, मुझे पता नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, तो अगर आपको इसके बारे में कुछ खामियां नजर आ रही हो तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये कहते हैं कैसे बनता है। और लाइक करना, शेयर जरूर करना, और कमेंट्स तो भर भर के देना। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल को थोड़ी थोड़ी ग्रो करूँ। तो यही है मेरा ये यम्मी सा गोकुल पीठा।